वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहान नदीम और PSL सीजन 9 जो है वो इस वक्त जारी है। यू ऑल आर फॉलोइंग। अभी तक हम 6 की 6 टीम्स इन एक्शन देख चुके हैं। लाहौर और मुल्तान में खेला जा रहा है अभी जो लेग हो रही है वो, और बहुत सारे फैंस जो हैं वो इस वक्त हुक्ड हैं बिकॉज द टीम्स दिस टाइम आर लुकिंग अ बिट डिफरेंट। अगर आप ट्रेड्स की बात करें तो कुछ शफलिंग हमें नजर आई और बड़ी सिग्निफिकेंट साबित हो रही है कुछ टीम्स के लिए। यूजुअल नाम जो है वो मिसिंग है, कुछ नए प्लेयर्स हैं, कुछ कप्तान नए हैं, तो वो सब हमने आज जो है वो अनपैक करना है बिकॉज अभी तक तकरीबन 7 मैचेस हो चुके हैं एंड वी हैव सीन कि क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं सो फार टीम्स की। सो विद मी I have none other than Mazhar Arshad. Hi Mazhar, welcome to Cricket on Loop. It is the PSL edition. Finally, it's that time of the year. If you have to summarize your PSL experience so far of this season, considering overall the buzz around it and the performances of all the players, the fitness, the freshness levels. So how is it looking? Because you're right there in the middle of the action. बताएं हमें कैसा जा रहा है अभी तक PSL सीजन 9 आपके लिए। देखिए PSL तो जैसे सबको पता है कि पाकिस्तान में एक एनुअल क्रिकेट फेस्टिवल होता है और आई थिंक पूरा साल जो है वो फैंस को इंतजार होता है, क्योंकि अब तो PSL का क्योंकि 9th एडिशन है तो इवन जो एक वो क्लब राइवलरी होती है, क्लब वर्सेस क्लब, जो कि पाकिस्तान में एक मिसिंग थी। मोस्टली पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को ही फॉलो किया जाता था जब पाकिस्तान खेल रहा होता था, तो वो जो लाहौर कराची की राइवलरी है अब तो इस्लामाबाद लाहौर की भी बन गई है, पेशावर मुल्तान की, तो आई थिंक के बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है अभी तक जा रहा है और कुछ काफी क्लोज मैचेस भी हुए हैं। शायद उतने जो है वो एक्साइटमेंट इस बार नहीं है जितना कि हमने रिसेंट ईयर्स में देखा था, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जिस तरह इस टाइम पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन है, लोगों का इंटरेस्ट दूसरी चीजों की तरफ है, तो शायद उतना नहीं है। बट स्टिल आई थिंक हर फैन को जो है, जो जितने भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो पूरा साल इसका इंतजार करते हैं, तो बहुत जबरदस्त जा रहा है अभी तक। और आई थिंक जिस तरह ये बिल्डअप हो गया है अभी, जिस तरह हमें काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और नई टीम्स हैं काफी, क्योंकि PSL में चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं हर साल में, कोई भी T20 लीग हो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस होती हैं, तो आई थिंक जैसे ही अब आगे लीग रावलपिंडी में जाएगी, उसके बाद कराची में, तो ये मैचेस मजीद जो है वो इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। बिल्कुल, बात आपने सही की है कि जो कॉन्टेक्स्ट है इस वक्त, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है, फिर दुनिया भर में जो मजर इस वक्त चल रहा है, पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर अपसेट, ऑफ कोर्स दे आर अफेक्टेड विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान एज वेल। तो थोड़ा सा इस बार ना जो कॉन्टेक्स्ट रहा है इन द बिगिनिंग, जो यूजुअली एक बहुत हाइप होती है वो हम सब ने आई एम श्योर फील की है कि मिसिंग थी। बट लेट्स होप के इन द फ्यूचर ये चीज जो है इसको हम कवर अप होते हुए देखें। जैसे आपने कहा कि ये पिंडी जाएगी, कराची जाएगी, तो फैंस जो है वो आएंगे। बट अगर हम अभी तक जितने मैचेस हुए उसकी बात करें मजर, मुल्तान सुल्तान्स आर एट द टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ विद 6 पॉइंट्स, 3 out of 3 विंस फॉर देम। इट्स अ बिग थिंग क्योंकि उन्होंने जिस नोट पे लास्ट सीजन को फिनिश किया था ऐसा लग रहा है कि वहीं से अब ये कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। Things are looking good for them. They have some match winners now in their team. But हर सीजन में मुल्तान सुल्तान्स एक नया बॉलर अनअर्थ करके ले आते हैं और पहले वो धानी के साथ एक वेव थी, फिर ऑफ कोर्स इहसानुल्लाह अब्बास अफरीदी, नाउ इट्स मोहम्मद अली। वो क्या ये स्ट्रेटजी है मुल्तान सुल्तान्स की, they keep bringing out these breakthrough performers every season. देखिये पहले तो रोहा, मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान्स को अगर आप एनालाइज करें ना तो जितने भी उनके सीजन गए हैं, मे बी एक जो PSL वो जीते थे अबू धाबी में, उसके अलावा कभी भी उनकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगी और उनकी जो इवन स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि डाउट्स रहे हैं। बट एक जो चीज उनकी कांस्टेंट रही है 3-4 सालों में, और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जो क्रेडिट है मुल्तान सुल्तान्स का वो जाता है मोहम्मद रिजवान को। आप ये देखें कि 3-4 सालों में उनकी कोई टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा चेंज हुआ है, यानी कि अगर किसी सीजन में कैरन पोलार्ड हैं, उनके लिए टीम डेविड मैचेस जितवा रहे हैं, एहसानुल्लाह मैचेस जितवा रहे हैं, लेकिन ये सारे जो प्लेयर्स हैं कोई कंसिस्टेंटली नहीं खेले कभी भी। और आप थोड़ा पहले चले जाएं तो सुएब मकसूद थे, उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह भी आपने नाम लिया मोहम्मद अली का। तो हमेशा जो है वो उनके प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो सेम होता है। पिछले 3 फाइनल्स खेले हैं उन्होंने, तो जो चीज उनकी कांस्टेंट है वो उनके कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, और मेरा ख्याल है कि वो इस टीम का न्यूक्लियस है। और जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने जिस तरीके से इन 3-4 सालों में टीम को बॉन्ड एक जो उन्होंने बनाया हुआ है प्लेयर्स के साथ, जो उनको जेल करके रखा हुआ है, आई थिंक कि अगर मैं इस टीम को डिफाइन कर सकता हूं तो वो मैं सिर्फ मोहम्मद रिजवान के ऊपर डिफाइन कर सकता हूं कि अगर वो ना हो तो शायद इनकी इतनी सक्सेस ना हो। तो अभी इस पीएसएल में एज ए बैट, कल उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली है, शुरू में थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया, मे बी एज ए बैटर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो इन द रिसेंट गेम्स, बट उनकी कीपिंग और कैप्टेंसी जितनी तारीफ की जाए कम है। आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स इज इक्वल टू मोहम्मद रिजवान। That's rightly put। और मुल्तान सुल्तान्स की आपने यही सही बात की है कि हर सीजन में उनका थोड़े बहुत चेंजेस हुए होते हैं, बट वो जो भी कॉम्बिनेशन लेके उतरते हैं वो कामयाब नजर आना शुरू हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट फॉर दैट गोज टू मोहम्मद रिजवान, बट ऑल्सो इस बार उनकी पिक्स जो थी, रीजा हेंड्रिक्स हैं अब उनकी टीम में, डेविड विली हैं और ऑफ कोर्स डाउन द ऑर्डर तो खुशदिल शाह हैं ही, बट जो बैटिंग के अंदर उन्होंने कुछ पिक्स इस बार किए हैं वो भी उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने ये जो बात की है कि मुल्तान सुल्तान इज इक्वल टू मोहम्मद रिजवान, डू यू थिंक ये उनके अगेंस्ट भी जा सकता है इन द कमिंग मैचेस? अगर रिजवान जो है वो उस तरह से ही डजंट गेट रन्स इन अ क्रूशियल मैच, डू यू थिंक द रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर इज रेडी टू पिक अप दैट स्लैक? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 3 सालों में 3 फाइनल्स खेले हैं, एक बार जीते भी हैं। और लोगों को मेरे व्यूज पता है रिजवान की बैटिंग के बारे में कि मैं समझता हूँ कि वो एक सपोर्ट, उनका एक रोल होता है, तो उनके उनके इर्द गिर्द जो है वो मैच विनर्स होने चाहिए, तब जो है वो मैच को अच्छा फिनिश करते हैं मुल्तान की टीम। जिस तरह पास्ट में टिम डेविड, रायली वुसो, कायरन पोलार्ड, और इस सीजन में हम देख रहे हैं इफ्तिखार ने 2 अच्छे मैचेस फिनिश किए हैं, खुशदिल शाह ने जितना उनको अपॉर्चुनिटी मिली है वो भी अच्छा जा रहे हैं। तो रिजवान की बैटिंग की इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह है, बैट्समैन तो वो अच्छे हैं ही, लेकिन मुल्तान के लिए जो उनकी सक्सेस है वो उनकी स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से वो स्पिनर्स को यूज करते हैं, जिस तरीके से फास्ट बॉलर्स को यूज करते हैं, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखना। तो आई थिंक मतलब कि मैं अगर मुल्तान सुल्तान्स को डिफाइन कर सकता हूँ तो सिर्फ मोहम्मद रिजवान के ऊपर कर सकता हूँ। बाकी देखें लॉजिकली आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। आप पिछले 3-4 साल देख लें, कभी शान मसूद के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, कभी टिम डेविड कर रहे हैं, कभी खुशदिल शाह कर रहे हैं, कभी सुहेब कर रहे हैं, हमेशा एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ ही आए हैं। आसिफ आफरीदी से इन्होंने जो है वो आउट करवा लिए थे, उसामा अमीर आउट कर रहे हैं, एहसानुल्लाह थे, तो शानवाज धानी है। तो हर सीजन के अंदर इनके मैच विनर्स में भी थोड़े से चेंज हो जाए, लेकिन जो चीज कॉन्स्टेंट है वो सिर्फ मोहम्मद रिजवान है। तो आई थिंक सारा मैं क्रेडिट दूंगा इस फ्रेंचाइज की सक्सेस का रिजवान को। Rightly said, let's see if they can make it another final in a row, but let's move on towards a team जो अभी तक थोड़ा सा struggle करती हुई नजर आ रही है। 2 में से 2 मैच अभी तक वो हार गए हैं। पेशावर ज़ल्मी जो कि एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, अभी तक हर प्लेऑफ वो खेले हैं पीएसएल का। दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम। आई नो इट्स अ बिट अर्ली, जस्ट 2 गेम्स इनटू द सीजन, बट things are not working out for Zalmi as far as the combination goes, because theek hai, Babar is getting runs and they have some good players in the team, but Mazhar, as far as the Peshawar Zalmi bowling unit goes, I think they missed a few tricks during the draft season. Abhi so far on paper aapko, do you think this is the weakest bowling lineup of the PSL? Ab aap keh sakte hain shayad lag rahi hai, बट जब इन्होंने स्क्वाड पिक किया था तो उस टाइम इनके पास नूर अहमद भी थे और नवीन उल हक भी थे। तो नूर तो नहीं आ रहे, लेकिन नवीन जो है वो शायद किसी स्टेज के ऊपर टीम को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह शमार जोसेफ हैं, उनके बारे में भी सुना है कि शायद वो एंडिंग स्टेज के ऊपर आएंगे। तो बॉलिंग के उनके इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वकार सलाम खेल को उन्होंने लाने की कोशिश की अभी ILT20 में, तो बहुत ही जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, बट शायद यूएई की पिचेस डिफरेंट हैं, पाकिस्तान की पिचेस डिफरेंट हैं। कल उनको जो है वो 50 से ज्यादा रन हो गए 4 ओवर्स में। तो बॉलिंग नो डाउट उनका कंसर्न है, लेकिन बैटिंग में भी थोड़ा सा आई थिंक पेशावर को देखना होगा। जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं हिटिंग के, पावर हिटिंग के, आई थिंक जो उनके हिटर्स हैं उनको ज्यादा बॉल्स, जितनी ज्यादा बॉल्स मिले उतना जो है उनके लिए फायदा हो सकता है। जिस तरह रोमन पावल हैं, आई नो कि लास्ट मैच में तो बड़े क्रूशियल मोमेंट पे आउट हो गए, बट स्टिल उससे जो पहला मैच था उसमें आसिफ अली को ज्यादा बॉल्स नहीं मिली। तो आई थिंक थोड़ा सा उनको इस अपनी बैटिंग स्ट्रेटेजी को भी देखना होगा। बट ये है कि जिस टीम में बाबर आजम हो उस टीम की फैन फॉलोइंग और वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, तो लोगों की बहुत नजरें हैं बाबर के ऊपर। उनकी अपनी फॉर्म तो जबरदस्त जा रही है, अगर आप उनके पिछले 6-7 पीएसएल में इनिंग्स देखें तो एक सेंचुरी भी है, कोई 80 की एवरेज है। बट आई थिंक के उनके बॉलर्स को जो है ना वो साथ दूसरे एंड पे भी तो कोई होना चाहिए टू टेक दैट इनिंग्स यू नो फॉरवर्ड एंड बिल्ड इट एंड फिनिश इट ऑफ। अब देखिए हारिस हैज बीन प्लेइंग irresponsible, unneeded shots in the last couple of matches we saw. If Babar Azam is on the other end और वो आपको settled नजर आ रहे हैं, तो maybe आपको थोड़ा सा मतलब बड़ी शॉट मारने की या अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। Now the question is, जितना आपने कहा कि resources हैं, do you think Babar will make the call to maybe bench Harris for a couple of games and bring in maybe Hasibullah, because last season भी जब उनको मौका दिया गया था he did make that difference. आई थिंक बहुत थोड़ा सा अर्ली भी होगा, थोड़ा सा हार्श भी होगा फॉर हारिस का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो आपको इस तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे। और ये आई थिंक सिर्फ हारिस का ही नहीं प्लान होगा, आप अगर देखें तो पेशावर के कोच हैं डैरिन सैमी, तो डैरिन सैमी की हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रही है पेशावर में। इवन जब वो कैप्टन भी थे तो सिर्फ एक एंकर को रखते थे और उसके इर्द गिर्द जो है वो पावर हिटर्स को खिलाते थे। पास्ट में इमामुल हक को भी उन्होंने एज एन एंकर यूज किया है, अब जो है वो बाबर आजम है। तो आई थिंक कि शायद पेशावर की स्ट्रेटेजी ये है कि आपने अटैक ज्यादा करना है। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा पीएसएल की हिस्ट्री में जो छक्के हैं वो पेशावर के हैं, जो कि कोई इतफाक नहीं है क्योंकि वो ज्यादा अटैक करते हैं। तो हारिस का देखें पिछला पीएसएल तो बहुत अच्छा गया था, अभी 2 मैचेस हुए हैं, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू राइट हिम ऑफ। मुझे लगता है कि उनको कंसिस्टेंट रन मिलना चाहिए, बैटिंग कॉम्बिनेशन उनका बिल्कुल ठीक है, आप इसी तरह खिलाएं प्लेयर्स को, बस थोड़ा सा ज्यादा जो है आई थिंक मौका मिलना चाहिए। जो आपका लोअर ऑर्डर है जिसमें आके प्लेयर्स ने हिटिंग करनी होती है, उनको अगर 8-10 ओवर्स मिलें तो वो ज्यादा एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप पेशावर को देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई कन्विंसिंगली मैचेस हारे हैं। जिस तरह एक मैच था 91 की पार्टनरशिप हुई साइम की और बाबर की, रन आउट हो गए, उसके बाद इनिंग्स जो है वो डीरेल हो गई। तो मतलब कि उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। T20 क्रिकेट जरा एक बहुत ही मतलब के जालिम फॉर्मेट है कि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। आप 1-2 ओवर अगर जिस तरह अभी वकार सलाम खेलें, उन्होंने 1 ओवर खराब किया तो पूरा मैच जो है वो खराब हो गया। तो आई थिंक पेशावर के पास पूरा पोटेंशियल है कि वो कमबैक कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी तक उन्होंने थोड़ा सा अंडर अचीव किया है। दे आर मच बेटर टीम देन व्हाट दे आर अपीयरिंग राइट नाउ ऑन द पॉइंट्स टेबल। वेल, वी विल फाइंड आउट इन अ फ्यू डेज, बिकॉज अभी जिस तरह आपने कहा स्टार्ट ही है सीजन का, बट ये ना हो कि यू नो जब तक वो इस कॉम्बिनेशन को या विनिंग कॉम्बिनेशन को ढूंढते बहुत लेट हो जाए इन द टूर्नामेंट, एंड देन ऑफ कोर्स दे डोंट हैव the margin and the room to make those changes and see. But let's see, abhi 2 matches हुए हैं Babar Azam. The good thing is that Babar is getting runs, so that's something that will definitely give them that positive ek reassurance कि captain जो है वो score कर रहा है. Now let's talk about a team जिसने मेरा ख्याल है पिछले कुछ seasons में बहुत criticism भी सुना है, बहुत हार्श टाइम्स देखे हैं एज अ फ्रेंचाइज। इस सीजन उनके पास उनके जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो भी नहीं है, कैप्टन भी न्यू है। हम बात कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जो इस सीजन दे आर विदाउट सरफराज लीडरशिप, दे आर विदाउट नवाज, दे आर विदाउट नसीम शाह। इस तरह के सिचुएशन में जब आप एक फाइनली एक कॉल ले लेते हैं एज अ फ्रेंचाइज कि ठीक है, वी आर मूविंग इन अनदर डायरेक्शन नाउ, वी आर मूविंग फॉरवर्ड्स। They now have Shane Watson as the head coach as well. अभी तक तो नजर आ रहा है कि ये एक नई इलेक्ट्रिक टीम बन चुकी है, एक कुछ नया बज़ नजर आ रहा है उनमें। What do you make of the Gladiators' performance so far? देखिए, ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि वो जो उन्होंने चेंजेस किए हैं शायद वही जो है उनको फायदा दे रही है। बड़ी देर लग गई है ना इसमें भी कैप्टेंसी वाले चेंज में। सॉरी, मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन को। मैं ये कह रही हूँ कि बड़ी देर लग गई टू मेक दिस कॉल फॉर द फ्रेंचाइज। यू नो, एक कैप्टेंसी की 2-3 सीजन पहले से ही ये प्रॉब्लम एक शुरू हो गई थी, स्टैग्नेंट हो गए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बट आपकी नजर में ये राइट कॉल थी एट दिस पॉइंट? जी बिल्कुल, आई थिंक चेंज की तो जरूरत बनती थी। जब आप 4 मुसलसल सीजन खेल रहे हैं और प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच रहे तो कैप्टनसी का तो चेंज करना बनता था। लेकिन मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता जो अक्सर लोगों ने बात की कि सरफराज अच्छे कैप्टन नहीं है। मतलब कि वही सरफराज जब पिछले 4 PSLs में उन्होंने क्वेटा को कई फाइनल्स खिलाए, टूर्नामेंट भी जीते, तो वो अच्छे कैप्टन थे और 4 साल के बाद वो खराब कैप्टन हो गए। अब जो कैप्टनसी है वो कोई इस तरह की चीज तो नहीं है कि आपने बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है, उसके अंदर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी तो इतनी ज्यादा नहीं होती, आपकी एक मतलब कि मेंटल एक जो स्ट्रेटेजी है उसको आपने बनाना होता है, टीम को साथ रखना होता है। तो कैप्टन वो आज भी अच्छे हैं। आई थिंक ये जो 4 साल में इशू आ रहा था कि सरफराज, क्योंकि उनकी अपनी जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं थी एज ए बैटर, और अक्सर हमने देखा है कि वो फोर्स करते थे खुद को बैटिंग ऑर्डर में, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी काफी जो बैटिंग कॉम्बिनेशन वगैरह होता है तो वो आपका खराब हो जाता है। तो आई थिंक ये उनका मेजर रीजन। आप देखें कि इस PSL में जो पहला मैच था जहां पे कि क्वेटा को ये लगा कि आज हमें उनकी बैटिंग की जरूरत नहीं है, उन्होंने सरफराज को बैटिंग नहीं करवाई, नीचे भेजा और अगले मैच में उन्होंने उनको ऊपर भेजा। यही एक अच्छी टीम की निशानी है कि आपने हमेशा जो है वो मैचअप्स को, ओपोनेंट्स को, सिचुएशन को देखना होता है। जस्ट बिकॉज somebody has scored runs at number 3 that does not mean कि वो हर मैच में नंबर 3 के ऊपर ही खेलेगा। आपको बाज़-औक़ात चीजों को एंटिसिपेट करना होता है। तो ये आई थिंक चेंज आई है विद शेन वॉटसन एंड देन राइली रूसो। आई डोंट थिंक वो भी कितने अच्छे कैप्टन है क्योंकि उन्होंने PSL से पहले कभी अपने करियर में कोई कप्तानी नहीं की, तो हम उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो आगे जाके पता चलेगा। बट गुड थिंग इज कि क्वेटा के पास इन फॉर्म प्लेयर्स हैं। दे हैव 3 प्लेयर्स इन दिस टीम जिन्होंने अभी तक 50 की है। साउद शकील की 50 की है, जेसन रॉय ने की है, ख्वाजा नाफे ने की है। तो आई थिंक उनका टॉप ऑर्डर एक बड़ी अच्छी फॉर्म में है। पिछले साल आप देखें कि उन्होंने 4 ओपनिंग पेयर्स चेंज किए थे, उनको समझ नहीं लग रहा था कि ओपन करना किसने है। कभी मार्टिन गप्टिल कर रहे थे, कभी कोई और कर रहा था। अभी अगर आप देखें तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप्स दोनों मैचेस में, एक मैच में 69 और एक मैच में 157 बिटवीन साउथ शकील एंड जेसन रॉय। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है। देन बॉलिंग में आई थिंक आमिर जो है उनका आना, बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अबरार अहमद जो है वो उनकी मिस्ट्री स्पिन जो है वो काफी उनको हेल्प कर रही है। बट एक जो उनका एरिया है क्वेटा का वो उनके जो बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं वसीम और हसनैन वो बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनको ये चीज कॉस्ट कर सकती है। दे शुड हैव अ बैकअप प्लान फॉर दीज बॉलर्स के ड्यूरिंग द गेम आपको जो है ना वो मे बी एक ओवर आप साउथ शकील से करवा लें, 2 ओवर्स करवा लें अगर थोड़ा सा ब्रेक है। वो सरप्राइज एक्चुअली कि उन्होंने साउथ शकील को रन, तो खैर बॉलर्स को काफी हो रहे हैं अभी तक इस सीजन में, हमें अभी तक यही देखने को मिला है कि अभी तक बैटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इकोनॉमी सफर करती हुई नजर आ रही है। बट आपने सही कहा, एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो क्वेटा का बन गया है इन फॉर्म प्लेयर्स का, इवन इफ हसनैन इजंट इकोनॉमिकल या उनके पास वो रन कंटेन नहीं कर पा रहे, मे बी ऑन द अदर एंड दे हैव समवन लाइक मोहम्मद आमिर एंड अबरार इन द मिडल ओवर्स, वो एक बहुत अच्छा उन्होंने पिक किया है। एंड आई थिंक इस तरह उनके एक्सपीरियंस भी ऐड हुआ है उनकी बॉलिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ आमिर, जो कि बड़ा जरूरी था उनके लिए, और बैटिंग में तो वो चीजें उनके लिए काम कर ही रही हैं। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड सीजन फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स सो फार, एंड लेट्स होप कि ये विनिंग स्ट्रीक उनकी आगे जो है वो कंटिन्यू रहे, बिकॉज एज अ फ्रेंचाइज आई थिंक दे रियली मिस्ड दिस फीलिंग ऑफ बीइंग टॉप ऑफ द टेबल एंड हैविंग दोस पॉइंट्स and going through to the playoffs, so the fans must be happy. Let's move towards Islamabad United. अच्छा, यहाँ पे Islamabad United की अगर हम बात करें, मजहर अरशद खान ने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया है एज अ बैटर। उनकी अब हम वो साइड ज्यादा रेगुलरली देख रहे हैं। He promotes himself when he thinks it's necessary. Then they have the likes of Azam Khan down the order. अपर उनके ओपनर्स कप से जो मनरो और एलेक्स हेज का एक फैक्टर हमें नजर आता है वो भी है। तो इस बार ऑन पेपर आई डोंट थिंक किसी भी सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन पेपर वीक नजर आई है एज अ टीम, बट दिस सीजन डू यू थिंक कि कोई एक्स्ट्रा एज है उनके पास टू रियली मेक इट थ्रू दैट लाइन एंड गेट दैट ट्रॉफी फॉर द थर्ड टाइम? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा ऑन पेपर से बहुत अच्छी टीम लगती है, लेकिन पता नहीं प्लेऑफ्स में जाके क्या हो जाता है। पिछले साल भी आप देखेंगे उन्होंने बहुत ही ज्यादा, उनका एक केयरलेस एटीट्यूड था इन द प्लेऑफ्स जब वो पेशावर से हारे हैं, तो वो आई होप कि दोबारा रिपीट ना हो। ऑन पेपर तो मे बी दे आर इजिली द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो आपके मेजर एरियाज होते हैं कि आपको T20 में एग्रेसिव ओपनर चाहिए होता है, मिडिल ऑर्डर में एक अग्रेसिव हिटर चाहिए होता है अगेंस्ट स्पिन, पावर प्ले का अच्छा बॉलर चाहिए होता है, डेथ ओवर्स का अच्छा बॉलर चाहिए होता है, और एक आपको एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए होता है। ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड टिक करता है। दे हैव 9 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस इन देयर स्क्वाड। और अब तो मार्टिन गप्टिल भी ज्वाइन कर रहे हैं अनकरीब, तो अगर कॉलिन मंदर आउट ऑफ फॉर्म है तो दे कैन ब्रिंग इन मार्टिन गप्टिल। और आई थिंक पिंडी की पिचेस पे शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, गप्टिल बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी टीम है। मसला उनका बस यही है कि वो अक्सर मैचेस को फिनिश नहीं कर पाते, आई मीन टूर्नामेंट को फिनिश नहीं कर पाते। शदाब की आपने बात की, देखें कैप्टन होने का ये तो फायदा फिर लोग उठाते ही हैं कि अपने आप को बैटिंग में प्रमोट कर लेते हैं, बट आई थिंक शदाब का एज ए बॉलर परफॉर्म, जो उनकी बॉलिंग फॉर्म है ना, वो मजीद अच्छी होगी अगर वो एज ए बैटर परफॉर्म करे। जब आप ऑलराउंडर जो होता है, अगर वो एक एरिया में परफॉर्म कर रहा हो तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है दूसरे एरिया में भी परफॉर्म करने का, वरना वो आपको एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार मेरी बॉलिंग खराब चल रही है और बैटिंग मेरी आ नहीं रही। और आई थिंक के जिस तरह पाकिस्तान की टीम में तो उनको बारी देते नहीं है, अभी वो IL T20 खेल रहे थे, वहां पे भी उनको बारी नहीं दे रहे थे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही एक ऐसी फ्रेंचाइज है जहाँ पे कि वो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए बैटर। तो बहुत अच्छा है उनके लिए भी, उनकी टीम के लिए भी, और बिल्कुल आई थिंक इस्लामाबाद राइट नाउ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। बिल्कुल, एंड आगा सलमान इज अ वेरी प्रॉमिसिंग नेम बिकॉज़ उन्होंने भी जब व्हेन ही गॉट रन्स इन द फर्स्ट मैच ही सेड के इस फ्रेंचाइज में जो है उनको एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है टू प्ले हिज नेचुरल गेम। नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली किसके ऊपर ये शेड थ्रो कर रहे थे, लेकिन वन कैन अज्यूम के ही इज फाइनली फाइंडिंग दैट फॉर्म एज फार एज हिज नंबर गोज एंड एज फार एज you know, the confidence and the freedom with which he plays his natural game goes. So it's good to see Agha Salman fitting in well in that Islamabad batting order. No doubt, और I think जितना जो अच्छा एक टीम environment इस्लामाबाद यूनाइटेड का है ना, ये शायद ही किसी फ्रेंचाइज का हो, और जितना वो कॉन्फिडेंस और एक कंफर्ट जोन प्लेयर्स को देते हैं। आई मीन इफ आई एम अ प्लेयर आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि वहां पे जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है ना बहुत अच्छा है कि वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाता है। अगर फेलियर्स भी हो रहे हैं तो कोई उनके ऊपर इस तरह का मतलब कि प्रेशर नहीं आता कि जी आप डिलीवर नहीं कर रहे। आप हमने देखा उनके कई प्लेयर्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, जिस तरह आजम खान है, शदाब हिमसेल्फ एट टाइम्स, लेकिन वो उन्होंने हमेशा प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया। यही बात है कि उनका एक 3-4 प्लेयर्स का कोर ग्रुप है जो कि कभी चेंज नहीं हुआ। बाकी जहां तक बात है आगा सलमान की, नो डाउट बहुत अच्छे उन्होंने अच्छी फॉर्म में रन किए, बट मैं अगर आपसे ऑनेस्टली बात करूं ना, ये जितने इस टाइम बैटर्स हैं ना जो कि 150 160 के स्ट्राइक रेट के ऊपर भी खेलते हैं इन पिचेस के ऊपर, द लाइक्स ऑफ साउद शकील, साहिबजादा फरहान, आगा सलमान, और भी इनमें कई इस तरह के प्लेयर्स होंगे। आप जिस तरह तैयब ताहिर है, आप अगर उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं वो भी इस तरह के रन कर लेगा। तो दे आर ब्रिंगिंग नथिंग न्यू टू द टेबल टू बी ऑनेस्ट। आपके कंट्री में अगर 10 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 35 गेंदों के ऊपर 50 कर रहे हैं, 40 गेंदों के ऊपर 50 कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट 2 ही होंगे या 3 ही होंगे। तो जो डिफरेंस आ सकता है इस PSL में, किसी प्लेयर को अगर पाकिस्तान में आना है तो उसको नीचे आके जो है वो परफॉर्म करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आगा सलमान का बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, बट जस्ट ये एक हार्श रियलिटी है T20 क्रिकेट की, एक रियलिटी है कि जो टॉप ऑर्डर बैटर्स होते हैं वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप अभी पाकिस्तान की टीम देखेंगे, 5-6 ओपनर्स थे उसमें, आगा सलमान, साहिबजादा फरहान नंबर 5 और 6 के ऊपर आके बैटिंग कर रहे थे। तो आई थिंक ये बस ठीक है, अच्छे प्लेयर्स हैं सारे, लेकिन इनमें से पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 या 3 ही सिलेक्ट होंगे। क्योंकि अभी हमारी जो नजरें हैं इट्स ऑब्वियसली ऑन द T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज हमारा ये जो प्रॉब्लम एरिया है कि नंबर 5-6 पे हमें ऐसा बैटर चाहिए जो जब आए तो वो उस स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग करे, ताकि अगर वो फिनिश अगर हमने चेज करना है तो कंप्लीट करे, क्लोज करे गेम को। सो फार अभी तक हमारे सेटअप के अंदर उस तरह का प्लेयर सिर्फ आजम खान ही नजर आ रहा है, और उसको भी अभी तक एक कंसिस्टेंट रन नहीं दिया गया। तो ये जरूर इट मेक्स यू थिंक के यू नो व्हेन यू गो थ्रू अ प्लेटफॉर्म, व्हेन यू गो थ्रू अ सीजन लाइक PSL एंड यू गेट दीज प्लेयर्स। जिस तरह हमें लास्ट सीजन में साइम अयूब मिले, हमें उसके पहले मोहम्मद हारिस को ट्राई आउट किया, लेकिन कोई भी हमारा वो प्रॉब्लम एरिया सॉल्व नहीं कर रहा जो पिछले 3-4 साल से एक प्रॉब्लम एरिया ही बना हुआ है, एंड वी सॉर्ट ऑफ हैवंट फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट येट। डू यू थिंक मजहर के इस सीजन के एंड होने के बाद मे बी वी विल हैव सम कैंडिडेट्स, बिकॉज अभी भी शुरुआत ही है PSL की, मे बी डीपर इन द टूर्नामेंट हमें कोई ऐसे नाम मिलेंगे जो नीचे बैटिंग कर सकें और उस स्ट्राइक रेट पे कर सके। डू यू थिंक के इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शंस होंगी ऑन द बेंच? Who solves this problem? देखें रोहा, आप 6 की 6 टीम्स ले लें, हर टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर, कम से कम एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि आपको 35-40 बॉल्स के ऊपर 50 रन करके दे सकता है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। आप कराची को देख लें, शान मसूद, मुल्तान को देख लें, रिजवान, पेशावर को देख लें, बाबर, लाहौर को देख लें, साहिबजादा फरहान, अब्दुल्ला शफीक नीचे आ रहे हैं, देन कोयटा को देख लें, साउद शकील, एंड आई थिंक आई एम मिसिंग वन टीम, बट हर टीम के पास जो है ना इस तरह का प्लेयर है। तो पॉइंट इज के आपके अगर सर्किट के अंदर 6-7 ऐसे प्लेयर्स आ जाएंगे जिन्होंने एट द एंड ऑफ द डे उनके सीजन में 300-400 रन होंगे, स्ट्राइक रेट 140-150 का होगा, जो कि पाकिस्तान की पिचेस पे एवरेज स्ट्राइक रेट है, इवन 140-150 भी एक एवरेज स्ट्राइक रेट है जितने यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो आप डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहे हैं? पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इस तरह के बैटर्स मौजूद हैं। तो आपने जो बात की, जो एक मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा था अब्दुल्ला शफीक में, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो जिस तरीके से आ रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करें, अगर इफेक्टिव हो, मे बी फॉर पाकिस्तान ही कैन प्ले एट 4 और 5, मे बी आई एम नॉट सेइंग कि ही शुड प्ले। देन जो मुझे अभी थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण नजर आई है वो ख्वाजा नाफे में। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्रिंगिंग यंगस्टर्स स्ट्रेट अवे इनटू द टीम या ब्रिंगिंग देम इनटू द टीम विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बट पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं पावर हिटिंग के, वो इतने बैरन हैं कि अगर कोई प्लेयर 2 या 3 भी अच्छा मतलब कि उसकी अच्छी इनिंग्स हो तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इट शुड बी इन द पाकिस्तान टीम। तो अगर ख्वाजा नाफे इसी स्ट्राइक रेट पे जिस तरह उन्होंने एक इनिंग्स खेली है, अगर वो इस तरह की कंसिस्टेंट बेसिस पे कुछ इस तरह का परफॉर्म कर दें कि एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट अगर उनका कोई स्ट्राइक रेट है 160-170 का और एवरेज है कोई 25-30 की, देन वी कैन से ओके ही शुड बी इन द टीम। बट ऑनेस्टली अभी तक काफी मायूसी हो रही है कि कोई भी आपको जो है ना वो लोअर ऑर्डर में जो एक रोल होता है हिटिंग का वो नहीं नजर आ रहा। मुझे लग रहा है कि अभी तक आपकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो शायद फिर इफ्तिखार ही है। Right, now let's talk about Karachi Kings, Mazhar. They are under a new leadership this season. Shan Masood और थोड़ी बहुत मैनेजमेंट थिंक टैंक भी उनका चेंज हुआ है, मुल्तान सुल्तान से अब कराची किंग्स आए हैं कुछ नाम। So far, what do you make of their combination? क्या लग रहा है कि कहाँ तक जाएगी इस साल कराची किंग्स की टीम? देखें, लीडरशिप चेंज हुई है और थोड़ी सी हमें इंप्रूवमेंट नजर आई है। दोनों मैचेस अच्छे खेले हैं, एक मैच अच्छा उन्होंने फिनिश भी किया है। कैरन पोलार्ड इस एज में भी जो है बड़े इफेक्टिव नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे, 4 छक्के मार दिए उन्होंने लाहौर में। तो आई थिंक कराची नो डाउट पिछले साल से एक अच्छी टीम लग रही है, बट अभी भी आई थिंक कहीं ना कहीं जो उनके इश्यूज है ना वो हो सकते हैं, स्पेशली विद व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। दे आर द ओनली टीम जिनके पास कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है। पूरे इस पीएसएल के अंदर एक ही ऐसी टीम है, तबरेज शम्सी है, उनके पास वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन है, बट इन फ्लैट पिचेस के ऊपर हाउ इफेक्टिव शम्सी कैन बी इट रिमेन्स टू बी सीन। और शम्सी शायद फुली अवेलेबल भी नहीं है, 4-5 मैचेस के बाद चले जाएंगे, उसके बाद फिर उनके कैसे स्पिन बॉलिंग रिसोर्सेज होंगे, क्या वो करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। बट इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले साल से जो है वो एक बेहतर टीम है, बहुत बेहतर नजर आ रही है। लाहौर कलंदर्स जो है अभी तक स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, 3 में से 3 मैचेस वो हारे हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो फैक्टर हम जो सब बात ऑफ कोर्स कर रहे हैं वो यही है कि राशिद खान की एब्सेंस उनको थोड़ा सा इफेक्ट कर रही है इन द मिडिल ओवर्स। नाउ दैट हारिस रऊफ इजंट as economical, he's not as you know, वो जो breakthrough उनका मिलता था वो भी नहीं मिल रहा। शाहीन भी विकेट्स तो ले रहे हैं, बट अभी भी उनकी वो पेस वापस नहीं आई, वो क्लॉक नहीं कर पा रहे जो वो पहले प्री इंजरी करते थे। ओवरऑल जिस चीज पे लाहौर कलंदर्स ने लास्ट 2 सीजन्स जीते वो चले फखर जमान और ये उनके जो बैटिंग ऑर्डर में डेविड वीजे सिकंदर ये तो कर ही रहे हैं स्कोर, बट इट वाज ऑलवेज their bowling that took them through to the end of the tournament this season. Mazhar, what do you make of their weak area? अभी तो हम weakness पे ही बात करेंगे, जाहिर है 3 मैच वो हारे हैं, क्या लग रहा है main at क्या वजह है, किसको attribute करेंगे अभी तक जो उनका bottom of the table जो वो जा रहे हैं? देखें, लाहौर हारे या जीते वो हमेशा PSL में entertain करते हैं, क्योंकि उनके पास 2 extremes हैं, they don't have any middle ground, either they are the winners या पॉइंट टेबल में टॉप पे हैं या बॉटम पे हैं, बीच में उनके पास कुछ नहीं है। और आई थिंक स्टिल अभी उनमें है इतना पोटेंशियल है कि वो दोबारा टॉप पे जा सकते हैं। बहुत अच्छी टीम है, जिस तरह आपने 2-3 चीजों को हाईलाइट किया, लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं राशिद खान की, बड़ा एक मतलब कॉमन सा टॉपिक बन गया है कि जी लाहौर विदाउट राशिद खान स्ट्रगलिंग, और काफी ये स्टैट भी जो है वो डिस्कस हुआ है सोशल मीडिया पे, टीवी शोज के ऊपर, ब्रॉडकास्ट में, कि विद राशिद खान उनके अगर आप देखें तो 28 मैचेस खेले हैं और 18 जीते हैं, तो 60+ उनकी विन परसेंटेज है, बट विदाउट राशिद खान 36% है। तो नो डाउट एक इम्पैक्ट था राशिद का जो कि उसको मिस कर रहे हैं, लेकिन द गुड टीम्स दे आर नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स। किसी आप एक इंडिविजुअल को नहीं कह सकते कि यार ये नहीं है तो अब ये टीम अच्छा नहीं खेलेगी। जो 2020 वाला सीजन था पीएसएल में जिसमें लाहौर फाइनल तक गया था, उसमें तो राशिद खान नहीं थे, बट स्टिल दे डिड वेल। तो आई थिंक अब जिस तरह लास्ट मैच था, जॉर्ज लिंडा ने आके अच्छी बॉलिंग की, उनके जो स्पिनर थे वहां पे फास्ट बॉलर्स को मैच फिनिश करना चाहिए था। तो आई थिंक लाहौर में जो मेजर इश्यूज हैं वो देखें, जो आपके पास है अब आपने उसको देखना। आप ये नहीं कह सकते कि राशिद खान नहीं है तो हम क्या करेंगे। आई थिंक लाहौर अपने बैटिंग ऑर्डर को जो है ना वो ठीक नहीं कर पा रहा। दे हैव टू मेनी टॉप ऑर्डर बैटर्स और वो फोर्स कर रहे हैं उनको बैटिंग ऑर्डर में, कि अब्दुल्ला शफीक को आप फोर्स कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर के अंदर, आप साइबुल्ला फरहान को अगर आप ओपन कर रहे हैं ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप उनके फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक जिसका पिछला मैच था, अब अब्दुल्ला शफीक जिस नंबर के ऊपर आके बैटिंग करने आए हैं वहां पे समबडी लाइक जॉर्ज लिंडा शुड हैव कम। जॉर्ज लिंडा का अगर आप देखें तो SA20 में ही वॉज डूइंग पावर हिटिंग एज वेल। आई नो प्रॉपर बैटर नहीं है, बट उनके पास एक वो एबिलिटी है कि वो आपको 6-7 गेंदों के ऊपर 15-20 रन करके दे सकते हैं। तो आपको इस तरह के चांसेस लेना होंगे और एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंस यही आता है 15-20 रन का। देन एक जो बहुत बड़ा टेक्टिकल एरर लाहौर ने किया, हारिस रऊफ का जबरदस्त रिकॉर्ड है अगेंस्ट इफ्तिखार अहमद, 11 की एवरेज है उनकी पीएसएल में, एक अच्छा मैचअप था, बट उन्होंने 19th ओवर जो है वो जमान खान को करवा दिया, जो कि पीएसएल में कभी उन्होंने 19th ओवर नहीं किया पूरे पीएसएल हिस्ट्री में। तो आई थिंक ये थोड़ा सा टेक्निकली जो है ना वो लाहौर पीछे रह गया, बट स्टिल दे आर वेरी गुड टीम। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहीन अफरीदी द कैप्टन, द बॉलर। हारिस रऊफ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक दे हैव अ पोटेंशियल टू मेक अ कमबैक। बिल्कुल, अभी स्टिल इट्स अर्ली इन द सीजन, बट ऑफ कोर्स यू नो लाहौर फैंस वो कितने जल्दी जो है वो जज्बाती भी हो जाते हैं। तो एनीवे आप भी आई एम श्योर लाहौर फैन ही है, आपकी कभी कभी बातों से लगता है। मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन लाहौर कलंदर्स वैसी पीएसएल की, जिस तरह लाहौर पाकिस्तान का दिल है ना, लाहौर कलंदर्स पीएसएल का दिल है, तो उनको देखे बगैर रहा नहीं जाता। कलंदर्स हो गया, अब क्योंकि अब एक जो राइवलरी बनी हुई है पीएसएल की, मजर वो ये है, वो ब्यूटी ऑफ द पीएसएल वो ये है कि ये जो आप टीम अगेंस्ट टीम जो फैन बेसिस की राइवलरी होती है वो कराची और लाहौर के मैचेस में हमें नजर आती है। बड़े फियर्स कॉम्पिटिशन होता है और इस बार आई थिंक और भी मजेदार होने वाला है, बिकॉज थोड़ा सा अब ना फ्लिप होता हुआ नजर आ रहा है हमें। लाहौर इजंट विनिंग द मैचेस, कराची ने एक मैच जीता है, थोड़ा सा वो मोमेंटम उनके साथ है। तो ये जो अब टाकरा होगा बिटवीन लाहौर एंड कराची, जो अपकमिंग मैच है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अभी तक क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो ज्यादा आपको नजर आ रही है जीतते हुए या टक्कर देती हुई? डू यू थिंक हमें कोई फिर रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये दो टीम्स जब आमने सामने हो तो कुछ ना कुछ तो नया होता ही है। देखिए कराची जो है वो पीएसएल की कोई बहुत सक्सेसफुल टीम नहीं रही पीएसएल हिस्ट्री की उनकी, लेकिन उनकी जितनी मर्जी खराब परफॉर्मेंस चलती हो वो लाहौर को हरा देते हैं। आप अगर पिछले सीजन देखें तो कराची ने एक सीजन में सिर्फ 3 मैचेस जीते और एक सीजन में उन्होंने एक मैच जीता, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन पिछले 3 मैचेस जो कराची वर्सेस लाहौर हैं वो कराची जीता हुआ है, तो उनकी विनिंग स्ट्रीक 3 गेम्स की है। ओवरऑल भी जो उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो लाहौर से बहुत बेहतर है। तो आई थिंक बस कुछ ऐसा है कि कराची, मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो बस उनका है कि हमने लाहौर को लाजमी हराना है। जो पहली पीएसएल हुई थी 2016 में, कराची पूरे पीएसएल में सिर्फ 2 मैचेस जीता था और वो दोनों लाहौर के अगेंस्ट थे। तो आई थिंक ये जो राइवलरी है अभी तक काफी वन साइडेड है और अब क्योंकि लाहौर में मैच है तो मेरा ख्याल है कि लाहौर की कोशिश होगी कि वो इस विनिंग स्ट्रीक को जो है ना कराची की उसको खत्म करे। राइट, और इस बार तो ये क्लैश ऑफ द कैप्टन्स भी होगा, बिकॉज हमारे दोनों जो नेशनल कैप्टन्स हैं रेड बॉल और वाइट बॉल वो आमने सामने होंगे, तो एक एक्साइटिंग वो भी टसल भी नजर आएगा बिटवीन शान मसूद एंड शाहीन शाह अफरीदी। बट लेट्स सी, अभी फिलहाल वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी कि ये जो टीम लाहौर कलंदर्स जो है वो कैसे कम बैक करते हैं, ऑफ कोर्स सम ऑफ द अदर टीम्स हु आर येट टू गेट अ विन इन द टूर्नामेंट वो कैसे करते हैं, लाइक द लाइक्स ऑफ ज़ल्मी। बट थैंक यू मजर, दिस वाज आई थिंक वी शुड रैप अप हियर। हम बहुत बोल गए आज के एपिसोड में, बिकॉज इतना कुछ था डिस्कस करने का. बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन क्रिकेट ऑन लूप. आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग. वी विल बी बैक फॉर मोर. अपना ख्याल रखिए, एंजॉय द पीएसएल. गुड बाय.